जाइए। बहुत से लोग टॉपिक हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और फिर हम ऐप पर अपलोड कर दिया करें और तो बहुत सारे लोग अब आ गए हैं सब आपके जनरली ये महाराष्ट्र जाता है और लोग देखने चल रहे हैं दिखाए आप देखें जो भी बारह के गुफा ऐतिहासिक काफी काल में जो ऐतिहासिक काल में गुहा या गुहा चित्रण प्रथम उदाहरण प्रस्तुत और इन्हें मानव द्वारा प्रथम प्रयास माना जाता है। तो स्थित आप देखेंगे जो भी माता की गुफा होगी माता की जो है छत्तीसगढ़ राज्य के ये कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है। ये बताए जोगी महाराज की गुफाएं ऐतिहासिक काल में गुहा या गुफा भित्त चित्रण का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और इन्हें मानव द्वारा
भित्त चित्रण की ओर प्रथम प्रयास माना जा रहा है। इनकी स्थित देखेंगे, ये गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में नर्मदा नदी के उद्गम के समीप रामगढ़ की पहाड़ी में अमरकंटक नामक तीर्थ स्थल के समीप स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में नर्मदा नदी के उद्गम के समीप रामगढ़ की पहाड़ी में अमरकंटक नामक तीर्थ स्थल के समीप स्थित है। अब क्वेश्चन कहां से बनेंगे? एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि ऐतिहासिक काल में गुहा या गुफा भित्त चित्रण का प्रथम उदाहरण मिलता है, तो आंसर होगा जोगी मारा की गुफाओं में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, मानव द्वारा भित्त चित्रण की ओर प्रथम प्रयास कहां पर देखने को मिलता है, या गुफा भित्त चित्रण का प्रथम साक्ष्य कहां पर मिलता है, तो आंसर है जोगी मारा की गुफाएं। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जोगी मारा की गुफाएं कहां पर स्थित है, तो जनरली राज्य पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में, बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में किस नदी के उद्गम के निकट है नर्मदा, किस पहाड़ी में है रामगढ़ की पहाड़ी में, किस तीर्थ स्थल के निकट है अमरकंटक के निकट। आगे हम लोग देख लेते हैं नामकरण। तो आप देखेंगे जो जोगी मारा की गुफाएं, जोगी मारा की जो गुफाएं हैं इनका नामकरण, तो जो वर्तमान में वर्तमान में जो गुफाएं जोगी मारा नाम से जानी जा रही है, इन्हें दसवीं सदी में डंडोर नाम से जाना जाता था, डंडोर नाम से जाना जाता था, और रामायण काल में इन गुफाओं को झारखंड कहा जाता था। ध्यान देंगे, रामायण काल में गुफाएं झारखंड नाम से जानी जाती थी, ना कि झारखंड राज्य में स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, एक यहां से बनेगा कि दसवीं सदी में जोगी मारा की गुफाएं किस नाम से जानी जाती थी, डंडोर नाम से। रामायण काल में जोगी मारा की गुफाओं को किस नाम से जानते थे, झारखंड नाम से जानते थे। आगे हम देख लेते हैं जोगी मारा के गुफा चित्रों पर प्रभाव या प्रेरणा। और इसमें देखेंगे जोगी मारा के जो गुफा चित्र है ये कहां से प्रभावित हैं या कहां से किससे प्रेरित हैं। तो इस संदर्भ में जानेंगे, एक है असित कुमार हलदर। और असित कुमार हलदर जो हैं, ये जोगी मारा के गुफा चित्रों पर रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों
देवदासियों का प्रभाव मानते हैं। मतलब रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में जो देवदासियां रहती थी उन्हीं का प्रभाव इन गुफाओं पर मानते हैं। देवदासी समझ रहे होंगे, प्राचीन काल में मंदिरों में सुंदर कुंवारी लड़कियां रखी जाती थी और ये लड़कियां जो होती थी इनकी शादी उसी देवता से, मतलब जिस मंदिर में रहती थी उस मंदिर में जो देवता की मूर्ति होती थी उसी के साथ इनकी शादी कर दी जाती थी और आजीवन वहीं पर रहकर मंदिर में संबंधित देवता की सेवा करती रहती थी और ऐसी ही लड़कियों को देवदासी कहा जाता था। और असित कुमार हलदर बता रहे हैं कि जो रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में देवदासियां रहती थी उन्हीं का जोगी मारा की गुफाओं पर प्रभाव है। एक हैं डॉक्टर बलाक, डॉक्टर बलाक, डॉक्टर बलाक मानते हैं कि जोगी मारा की गुफाओं पर यूनान का प्रभाव है, यूनान का प्रभाव है। एक है डॉक्टर हीरा लाल और हीरा लाल जोगी मारा के गुफा चित्रों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव मानते हैं। और एक है डॉक्टर राय कृष्ण दास और डॉक्टर राय कृष्ण दास जोगी मारा की गुफाओं पर जैन धर्म का प्रभाव मानते हैं। अब ध्यान देंगे जोगी मारा के जो चित्र हैं इनमें से अधिकांश के अभिप्राय नष्ट हो चुके हैं, अधिकांश के अभिप्राय नष्ट हो चुके हैं, माने अधिकांश चित्र नष्ट हो चुके हैं और उनके अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। फिर भी डॉक्टर राय कृष्ण दास का विचार कि ये जैन धर्म से संबंधित हैं अपेक्षाकृत मान्य मत है, अपेक्षाकृत मान्य मत है। और देखेंगे कि यही विचार मान्य है। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जोगी मारा की गुफाओं पर किस धर्म का प्रभाव है, हमेशा वरीयता देंगे जैन धर्म को। आगे हम लोग देख लेते हैं जोगी मारा के गुफा चित्रों का निर्माण काल, जोगी मारा के गुफा चित्रों का निर्माण काल हमारी टॉपिक है। अब आप देखेंगे कि जोगी मारा के जो गुफा चित्र हैं इनका निर्माण कब हुआ, ये किस काल के हैं, इस संदर्भ में जानेंगे कि एक है जॉन मार्शल इनके अनुसार ये 1000 वर्ष ईसा पूर्व के, 1000 वर्ष ईसा पूर्व के अर्थात वैदिक काल के हैं। एक है डॉक्टर बलाक और डॉक्टर बलाक कहते हैं ये तीसरी सदी ईसा पूर्व के हैं, तीसरी सदी ईसा पूर्व के हैं अर्थात मौर्य काल के हैं। एक है विसेंट स्मिथ
और बिसेंट स्मिथ कहते हैं कि जोगी महाराज के गुफा चित प्रथम सदी ईसा पूर्व के पहले के, और इतना मार्शल इन्हें 1000 ईसा पूर्व का, डॉक्टर बलाद तीसरी सदी ईसा पूर्व का, और बिसेंट स्मिथ प्रथम सदी ईसा पूर्व के पहले का इन्हें मानते हैं। अब देखेंगे जो जोगी मारा के गुफा चित्र है इन पर सांची और भरहुत स्तूपों के मूर्त शिल्पों का प्रभाव है, जिनका समय तीसरी या दूसरी सदी ईसा पूर्व है। तो जोगी मारा के भित्त चित्रों पर सांची भरहुत के मूर्त शिल्पों का प्रभाव है और इनका समय है तीसरी या दूसरी सदी ईसा पूर्व, और अजंता की दसवीं नौवीं गुफाओं के चित्र जो हैं इन पर जोगी मारा का प्रभाव है और इनका समय है दूसरी सदी ईसा पूर्व। तो जोगी मारा पे सांची भरहुत के मूर्त शिल्पों का प्रभाव, समय तीसरी या दूसरी सदी ईसा पूर्व है। तो इस तरह से तीसरी या दूसरी सदी ईसा पूर्व के पहले की नहीं हो सकती, क्योंकि जोगी मारा के भित्त चित्र इससे प्रभावित है, और जोगी मारा के भित्त चित्रों का प्रभाव अजंता की दसवीं नौवीं गुफाओं पर है जो दूसरी सदी ईसा पूर्व की है, और जोगी मारा के भित्त चित्र इसके पहले के हैं। ऐसी स्थिति में जोगी मारा के भित्त चित्रों का समय तीसरी सदी ईसा पूर्व माना जाएगा, अर्थात डॉक्टर बलाक का मत कि जोगी मारा के भित्त चित्र तीसरी सदी ईसा पूर्व के, अर्थात तीसरी सदी ईसा पूर्व के, अर्थात मौर्य काल के हैं, ये अपेक्षाकृत मान्य मत है। और ये क्वेश्चन मित्र यहां से बनेगा आपका कि जोगी मारा के भित्त चित्रों का समय है तीसरी सदी ईसा पूर्व, या कौन विद्वान मानता है कि जोगी मारा के गुफा चित्र तीसरी सदी ईसा पूर्व के मौर्य काल के है, ये मानते हैं डॉक्टर बलाक। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन रहा है। इस तरह से हम लोग देखे जोगी मारा के गुफाओं की स्थित, जोगी मारा का नामकरण, जोगी मारा के भित्त चित्रों की प्रेरणा या जोगी मारा के भित्त चित्रों पर प्रभाव, और जोगी मारा के भित्त चित्रों का समय। अब हम लोग देख लेते हैं जोगी मारा के चित्र। तो आप देखेंगे जोगी मारा में दो गुफाएं पास पास पाई गई है। एक गुफा है सीता गोंगरा, सीता गोंगरा की गुफा, या इसी को कहिए सीता लांगड़ा की गुफा, या इसी को कहिए सीता बोंगा की गुफा।
सीता बोंगरा की गुफा या सीता लांगड़ा की गुफा या सीता बोंगा की गुफा। दूसरी गुफा जो है यह है जोगी मारा की गुफा। इनके अलावा यहां पर लक्ष्मण लांगड़ा और साथ ही अन्य कई छोटी छोटी गुफाएं भी पाई गई, लेकिन वो सब महत्वहीन है, वो सब की सब महत्वहीन है। और थोड़ा सा आप लोगों को कमेंट देख ले, फिर आगे देखते हैं। नमस्कार सभी को, नमस्कार। और किसी पॉइंट में कहीं कोई समस्या हो तो उसको क्लियर कर लिया जाए। अर्चना देवी कह रहे हैं टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा? अर्चना जी 10 तारीख को आ जाना चाहिए, इसे 10 से 15 के बीच में श्योर आ जाए। और ये हैं धर्मेंद्र कुमार, सर जी मॉक टेस्ट क्वेश्चन कराओ, आए बहुत अच्छा करवाते हैं आप, बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके धर्मेंद्र कुमार जी, थोड़ा कोई परीक्षा वगैरह निकट होती है तब मॉक टेस्ट में मजा आता है, और कराएंगे, आगे कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और जो भी कुछ हम पढ़ाते हैं, बाकी गुड इवनिंग ये सब तो चलते रहेगा। आप लोग पढ़ाने में हमारे जहां आपको ये लगे कि इससे कुछ इतर होना चाहिए, या आपने कहीं कुछ और पढ़ा हो उसे कमेंट में दीजिए, तो ताकि जो कंफ्यूजन सा हो उसे दूर किया जा सके। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो है जहां जहां आपको कमियां लगेगी या आप लोगों के दृष्टि से कुछ और होना चाहिए कमेंट में जरूर लिखकर भेजेंगे। और ELT कब तक आएगा? बेटा जो भी वैकेंसियां आनी हैं वो वैकेंसियां आपकी जो हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव आचार संहिता लगने के पहले, मतलब नवंबर तक आ जानी चाहिए। ELT तो और पहले आना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए, दिए नहीं, लेकिन नवंबर तक तो सभी वैकेंसियां आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ये टॉपिक देखते हैं। तो ये बताए कि जोगी मारा में दो गुफाएं पास पास पाई गई हैं, एक सीता बोंगरा की गुफा, दूसरा जोगी मारा की गुफा। इनके अलावा लक्ष्मण लांगड़ा साथ ही और कई छोटी छोटी गुफाएं यहां पर पाई गई हैं, लेकिन वो सब की सब महत्वहीन है। इनमें से जो सीता बोंगरा की गुफा है, सीता बोंगरा की गुफा है, इसे डॉक्टर बलाक नाट्य डॉक्टर बलाक नाट्य साला अथवा रंगमंच या कहिए प्रेक्षा गृह मानते हैं, प्रेक्षा गृह मानते हैं। और इन्होंने बताया, डॉक्टर बलाक ने बताया कि सीता बोंगा की गुफा नाटशाला थी। अब नाटशाला का आप रंगमंच प्रेक्षागृह कुछ भी कह सकते हैं, जो एशिया में पाई गई प्राचीनतम नाटशाला है। और इस नाटशाला में सुत नुका नामक देवदासी नृत्य करती थी या अभिनय करती थी। और जो जोगी मारा की गुफा है वो वरुण देवता का, सॉरी जोगी मारा की गुफा है
वो इसी सुतनुका और उसके सहकर्मियों का निवास स्थान थे। डॉक्टर राय कृष्ण दास ने कहा कि जो जोगी महारा की गुफा है, जोगी महारा की गुफा है, ये वैदिक देवता वरुण देवता का मंदिर थी, वरुण देवता का मंदिर था। राकेश दास करे वरुण देवता का मंदिर था और इन्होंने का मंदिर था। फिर से देख लीजिए, ब्लाक ने कहा कि सीता बोंगा वाली गुफा नाटशाला थी और इस नाटशाला में सुतनुका नामक देवदासी अभिनय करती थी और जोगी मारा वाली गुफा सुतनुका उसके सहकर्मियों का निवास स्थान थी। राकेश दास कह रहे कि जोगी मारा गुफा वरुण देवता का मंदिर था और सीता बोंगा गुफा सुतनुका उसके सहकर्मियों का निवास स्थान था। तो कुल मिलाकर कौन गुफा नाटशाला थी, कौन वरुण देवता का मंदिर था, कौन नाटकर्मियों का निवास स्थान था, ये विद्वानों में विवादित विषय है। आपको केवल ध्यान रखना है कि कौन गुफा नाटशाला थी, तो सीता बोंगा वाली गुफा नाटशाला थी। कौन वरुण देवता का मंदिर था, तो जोगी मारा वाली गुफा वरुण देवता का मंदिर थी। बस यही चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन मानता है सीता बोंगा की गुफा नाटशाला थी, तो डॉक्टर ब्लाक मानते हैं। और कौन मानता है कि जोगी मारा की गुफा वरुण देवता का मंदिर था, तो डॉक्टर राय कृष्ण दास मानते हैं। और अब आप देखेंगे कि जो सीता बोंगा की गुफा, इसमें कोई भी चित्र नहीं पाया गया, चित्र केवल जोगी मारा की गुफा में पाए गए। जोगी मारा की गुफा जो है, चित्र केवल जोगी मारा की गुफा में छत पर बने पाए गए। कहां पर बने हैं? छत पर बने। और यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जोगी मारा की गुफा में चित्र कहां पर बने? छत पर। और ध्यान देंगे कि जोगी मारा की जो गुफा है ये 10 फीट गुड़े 6 फीट गुड़े 6 फीट आकार की है, मतलब 10 फीट गहरी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है। तो इतना छत की ऊंचाई कितनी है? 6 फीट। और एक मानव प्रवृत्त होती है, वो जो भी अच्छी चीज कलाकृत वगैरह देखते हैं उसे छूने का प्रयास करते हैं। तो यहां जो भी लोग पहुंचे वो इन्हें बराबर टच करते रहे, ऊंचाई भी कम थी, बराबर टच करते रहे, जिससे ये लगभग नष्ट हो चुके। किसी अकुशल कलाकार के द्वारा, किसी अकुशल कलाकार के द्वारा जो है इन चित्रों पर चूने की सफेदी चढ़ाकर ऊपर से दोबारा रंग भरने का प्रयास किया गया, ऊपर से दोबारा रंग भरने का प्रयास किया गया। लेकिन जो दूसरे स्तर पे रंग भर रहा है वो अकुशल कलाकार था, चित्रों पर जो दूसरे स्तर के रंग भरे गए हैं उन पर देखेंगे चित्रों में रेखाएं और रंग बिल्कुल अलग चमकते, जिससे चित्रों की बची खुची मौलिकता भी नष्ट हो चुकी, चित्रों की बची खुची मौलिकता भी जो है वो नष्ट हो चुकी। 1914 ईस्वी में पुरातत्व विभाग द्वारा
यहां पर शोध हेत असित कुमार हल्दर, असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त को भेजा गया। क्षेमेंद्र नाथ गुप्त का उच्चारण आप समरेंद्र नाथ गुप्त ही कर सकते। तो क्षेमेंद्र नाथ गुप्त अथवा समरेंद्र नाथ गुप्त द्वारा असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त या समरेंद्र नाथ गुप्त को 1914 में पुरातत्व विभाग के द्वारा यहां पर शोध हेतु भेजा गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1914 में शोध हेतु जोगी मारा कौन गए थे, असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकल कर आपके पास आ रहा। और हिमाचल प्रदेश में है अभी ड्राइंग टीचर का कमीशन निकला है सर। ठीक धर्मेंद्र जी, देखते हैं। एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला है और क्या लिख रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सही नहीं, क्या दिक्कत भाई, क्या अक्षर वगैरह साफ नहीं दिखते हैं, क्या समस्या आ रही है? वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साफ जाए। ये कौन है, अर्चना देवी, सर टीजीटी का एडमिशन फीस कितना है प्लीज सर बताइए, एडमिशन लेना। अर्चना जी 4,500 रुपये हैं और इसके लिए बाद में आप क्लास छूटने के बाद या कल संपर्क कर लीजिएगा फोन से, तो देखते हैं सब पर विचार करते हैं। वैसे बोर्ड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो 1914 में पुरातत्व विभाग के द्वारा असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ या समरेंद्र नाथ गुप्त को जोगी मारा शोध हेत भेजा गया और ये दोनों यहां गए और इन दोनों ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन 14 में गए थे, यहां पे कुल 7 दृश्य माना। कुल कितने दृश्य माना, 7 दृश्य। बाद में लोगों ने जो 7वां दृश्य था उसे 2 पार्ट में बांट दिया, 7 आ 7 बा, और यहां पर 8 दृश्य स्वीकार किए। तो जोगी मारा में कितने दृश्य हैं, 8। असित कुमार हल्दर क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगी मारा में कितने दृश्य माने थे, 7। इन 8 दृश्यों में जो 4 अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, 8 में जो 4 अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, उन 4 को डॉक्टर बलाक और विसेंट स्मिथ ने प्रकाशित किया। 8 में जो 4 अपेक्षाकृत सुरक्षित थे उन्हें इन दोनों ने प्रकाशित किया है। और देखेंगे कि यहां पर पाए गए दृश्यों में से 2 दृश्य विशेष महत्वपूर्ण है, अरे 2 चित्र विशेष महत्वपूर्ण, एक लाल रंग से बने लिली के
पुष्प पर नृत्य करते हुए प्रेमी युगल लाल रंग से बने लिली के पुष्प पर नृत्य करते हुए प्रेमी युगल। और एक है तालाब में तैर रहा गजगरा मतलब मगर मच्छ अथवा विशाल मछली। तो ये नहीं क्लियर हो पा रहा वो मगर मच्छ है या मछली है। तो ये दो दृश्य यहां पर विशेष महत्वपूर्ण है। लाल रंग से बने लिली के पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल और तालाब में तैर रहा गजगरा या मगर मच्छ गजगरा मतलब मगर मच्छ अथवा विशाल मछली। ऐसे यहां पर देखेंगे कि जोगी मारा में पुष्प वृक्ष हाथी घोड़े मकान तीन घोड़ों का रथ चक्र पक्षी कवैया ये सब चित्रित पाए गए। लेकिन महत्वपूर्ण चित्रों में यही दो हैं, लाल रंग से बना लिली के पुष्प नृत्य करता प्रेमी युगल और तालाब में तैर रहा विशाल मगरमच्छ अथवा विशाल मछली। अब हम देख लेते हैं जोगी मारा के भित्त चित्रों की विशेषताएं। जोगी मारा के भित्त चित्रों की विशेषताएं और थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। रागिनी जी गुड इवनिंग। ब्रजेश सर क्लियर तो है, होना चाहिए। कोशिश हम लोगों की रहती है कि लिखावट वगैरह साफ दिखाई दे, आवाज साफ हो। और ओके क्लियर है तो ओके है। आइए देखते हैं विशेषताएं। तो आप देखेंगे कि जो जोगी मारा के गुफा चित्र हैं इनके बारे में हमने शुरू में बताया कि ऐतिहासिक काल में गुफा भित्त चित्रण का प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करती है और इन्हें मानव द्वारा भित्त चित्रण की ओर प्रथम प्रयास माना जा रहा है। आगे देखेंगे कि यहां पर जो भित्त चित्र बने हैं वो कहीं कहीं पर चूना उते धरातल पर बनाए गए हैं, तो कहीं कहीं खुरदुरी सतह पर ही बना दिए गए, कहीं कहीं पर चूना पुते धरातल पर चित्र बने हैं, तो कहीं कहीं पर खुरदुरी सतह पर ही चित्र बना दिए गए। दूसरे देखेंगे चित्रों को बनाने के लिए खनिज योग वनस्पतिक
रंगों का प्रयोग हुआ। रंग लाल, पीला, सफेद और काला रंग प्रयोग हुए हैं। इनमें से लाल, पीला, सफेद जो हैं, ये तीनों आपके खनिज रंग हैं। ये तीनों खनिज रंग हैं। और काला जो है ये हर्रा फल मतलब वही जो हर्रे होता है से बना वनस्पतिक रंग है। तो रंग खनिज वनस्पतिक दोनों प्रयोग हुए हैं और रंगों में लाल, पीला, सफेद, काला प्रयोग हुआ है। लाल, पीला, सफेद खनिज रंग है और काला जो है हर्रा फल से बना वनस्पति रंग है। आगे देखेंगे कि जो सीमा चित्रों की सीमा रेखा है, चित्रों की जो सीमा रेखा है इसे लाल रंग से बनाया गया। चित्रों के विभाजन हेतु हाशिए, चित्रों के विभाजन हेतु हाशिए जो हैं ये पीले रंग से बनाए गए। आकृतियों की आंखें काले यौ सफेद रंग से बनाई गई और आकृतियों के बाल जो हैं ये काले रंग से बनाए गए हैं। तो सीमा रेखा लाल रंग से बनाई गई है। विभाजन हेतु चित्रों के विभाजन हेतु हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। आकृतियों की आंखें काले एवं सफेद रंग से बनाई गई हैं और आकृतियों के बाल काले रंग से बनाए गए हैं। ये मूल चित्रों की बात है। दूसरे स्तर के दूसरे स्तर पे जो है ये चित्र सफेद धरातल पर लाल रंग से बनाए गए। हमने बताया ना कि किसी ने इन पर चूने की सफेदी चढ़ाकर ऊपर से दोबारा रंग भरा है। तो जो दूसरा स्तर है तो चूने की सफेदी चढ़ाकर मतलब सफेद धरातल पर लाल रंग से बनाया है। और रेखांकन जो है रेखांकन दूसरे स्तर पर काले रंग से किया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि यहां पर मानों की बौनों जैसी आकृतियां बौनों जैसी आकृतियां पाई गई हैं और ये आकृतियां सांची और भरहुत स्तूपों के मूर्त शिल्पों से मिलती जुलती। और जोगी मारा गुफा के बारे में इतना जान रहे हैं तो पर्याप्त है।
और कमेंट्स में कुछ आया, जरा हम देख लें। सर आपकी क्लास डेली आती है क्या इस टाइम? नहीं डेली नहीं आती। हाँ अब इधर करीब एक सप्ताह डेली आएगी यूट्यूब पर, और ये गुफाएं जो है इन्हें यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। आगे फिर हम ऐप पर आ जाएंगे और फिर लाइव ऐप पर लेने लगेंगे। बाकी ऐसे बीच बीच में हम यूट्यूब पर भी आप लोगों से बराबर मिलते रहेंगे। बलराम यादव सुपर सर थैंक्स। परमवीर सिंह प्रजापत गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सुमन सर मेरा TGTR में 84 क्वेश्चन सही है, क्या कुछ उम्मीद सिलेक्शन की है? सारी सुमन जी कम है और मेहनत करिए। सर मेरा TGT अच्छा हो गया। परमवीर प्रजा सुमन सर बहुत। विनोद कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संतोष कुमार सर इसके अलावा और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? संतोष जी अगर हमारा क्लास और उससे जुड़ा टेस्ट पेपर जो हम कराते ये दोनों मेंटेन है, और परीक्षा के दौरान उससे एक महीने पहले मॉडल टेस्ट सीरीज कराते, अगर ये तीनों कोई मेंटेन किया है, हमारे लेक्चर से जुड़े टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर और परीक्षा के दौरान जो हम मॉडल टेस्ट सीरीज कराते, तीनों अगर कोई ज्वाइन किया है तो सिलेक्शन के लिए कुछ भी और नहीं पढ़ना। बाकी जानकारी के लिए जितना भी पढ़ लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए इतना पर्याप्त है। अर्चना देवी सर 27,000 वैकेंसी आएगी। अर्चना जी इन सब प्रश्नों का जवाब सही हम नहीं दे सकते। हाँ एक उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक आ जाएगी। परमवीर सर आप अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद परमवीर जी। अखिलेश जी गुड इवनिंग। पुष्पा पटेल गुड इवनिंग सर थैंक्स। और अब जो है जोगी मारा की जो गुफाएं हैं इस पर हम लोग चर्चा कर चुके, इससे क्वेश्चन कहां से बनेंगे ये भी हम बताते चले हैं, और एक बार फिर हम आप लोगों को रिपीट करा देते कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि ऐतिहासिक काल में गुफा भित्त चित्रण का पहला साक्ष्य मिलता है जोगी मारा में। दूसरा मानव द्वारा, दूसरा क्वेश्चन गुफा भित्त चित्रण की ओर प्रथम प्रयास माना जाएगा जोगी मारा की गुफाएं। जोगी मारा की गुफाएं कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ये विशेष महत्वपूर्ण जिस रूप में पूछे जाते हैं वैसे पूरा जान, छत्तीसगढ़ राज्य में रामगढ़ की पहाड़ी में नर्मदा के उद्गम के निकट अमरकंटक के समीप स्थित है। तो जोगी मारा गुफाएं कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। रामायण काल में जोगी मारा की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता था? झारखंड। दसवीं सदी में जोगी मारा की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता था? डंडोर। आगे जो है जोगी मारा की गुफाएं किस काल की है? तीसरी सदी ईसा पूर्व अर्थात मौर्य काल की। किसका मानना है कि जोगी मारा की गुफाएं मौर्य काल की है, मतलब तीसरी सदी ईसा पूर्व की है? डॉक्टर बलाक का। जोगी मारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। 1914 में नहीं आगे सीता बोंगा की गुफा थी नाटशाला। किसने सीता बोंगा की गुफा को एशिया में पाई गई प्राचीनतम नाटशाला माना है? डॉक्टर बलाक ने। और आगे कौन मानता है कि जोगी मारा की गुफा वरुण देवता का मंदिर था? डॉक्टर राय कृष्णदास।
1914 में जोगी मारा शोध हेत कौन गए? असित कुमार हल्दर, क्षेमेंद्र नाथ गुप्त। असित कुमार हल्दर, क्षेमेंद्र नाथ गुप्त। जोगी मारा में चित बने हैं छत पर, लिली के पुष्प नृत्य करते प्रेमी युगल, लिली के पुष्प नृत्य करते प्रेमी युगल, और मन किस गुफा में मिला जोगी मारा? तालाब में तैर रहा गजगरा या मगरमच्छ अथवा विशाल मछली, किस गुफा में चित्रित है जोगी मारा? जोगी मारा के भित्त चित्रों पर किसका प्रभाव है? सांची और भरहुत के मूर्त शिल्पों का। अजंता की दसवीं नौवीं गुफाएं किससे प्रभावित है जोगी मारा से? यही क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन कहीं हो जोगी मारा के बारे में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से उसे क्लियर कर लीजिए। विपिन कुमार, आप जो टेस्ट पेपर होता है उसके पीडीएफ की व्यवस्था कीजिए ताकि हम निकलवा कर रिवीजन कर सकें। विपिन कुमार जी, उसे निकाल नहीं सकते, हाँ रिवीजन जितनी बार करना उसे देखकर पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ओबीसी 100 नंबर संभावना बनती है, वैसे 102 तक तो क्लियर है लेकिन 100 पर भी संभावना बनती है। धर्मेंद्र मिश्रा, सर मेरा बालिका वर्ग में 99 है, क्या है? देवांश मिश्रा, क्या उम्मीद है? उम्मीद बनती है देवांश जी। सर डिटेल में लिखवा दिया करिए जैसे बाद में नोट करने पड़े। तो यार क्लास तो हमारा इतना स्लो गति में चलता, आप चाहे साथ साथ लिख सकते हैं। विपिन कुमार, सर जी आपका वीडियो पूरा यूट्यूब पर है, अगर तैयार हो गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। विजय कुमार जी, यूट्यूब पर हमारे बहुत से करीब 55-60 वीडियो है लेकिन सभी वीडियो नहीं। सभी पाने के लिए भैया आपको जो है एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐप लोड करके एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी सारे वीडियो सब क्लास मिल पाए। और तो जोगी मारा की गुफाएं हम लोग देख चुके, और अगली गुफा हमारी रहेगी, अगली गुफा जो है वो रहेगी अजंता। अजंता की गुफाएं, और अजंता की गुफाएं जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाएं जो है ये मित्र बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जानेंगे कि इसको हम लोग विधिवत डिटेल में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अजंता के गुफाओं की स्थिति क्या है, फिर देखेंगे अजंता के गुफाओं की खोज और अजंता पर समय समय पर किए गए विविध शोध। तो अजंता के गुफाओं की खोज और शोध, फिर देखेंगे अजंता में गुफाओं की संख्या, गुफाओं की संख्या, उनका निर्माण काल, गुफाओं की संख्या, एक मिनट, उनका गणना क्रम सुरक्षित
चित्र गुफाओं का स्वरूप निर्माण काल, गुफाओं की संख्या, गुफाओं का गणना क्रम, सुरक्षित चित्र और गुफाओं का स्वरूप तथा निर्माण काल। आगे देखेंगे अजंता में चित्रों के, अजंता में चित्रण विधि, चित्रण विधि। फिर देखेंगे अजंता में चित्रों के विषय, और फिर देखेंगे अजंता में अजंता में चित्रों के विषय हो गए, में रंग योजना, और फिर देखेंगे अजंता की गुफाओं के चित्र। इन सात टॉपिकों में हम लोग अजंता की गुफाओं का अध्ययन करेंगे। पहली टॉपिक में देखेंगे अजंता के गुफाओं की स्थित, माने वो कहाँ पर स्थित हैं। फिर देखेंगे अजंता की खोज और अजंता पर हुए शोध। आगे गुफाओं की संख्या, गणना क्रम, सुरक्षित चित्र, गुफाओं का स्वरूप, गुफाओं का निर्माण काल, फिर चित्रण विधि माने चित्र किस विधि से कैसे बनाए गए हैं, चित्रों का विषय मतलब क्या क्या बनाए गए हैं, चित्ररंग योजना माने कौन कौन रंग प्रयोग हुए हैं, अजंता की गुफाओं के चित्र मतलब किन किन गुफाओं में कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, और इन सब टॉपिकों के अंतर्गत हम लोग अजंता की गुफाओं का अध्ययन करेंगे। और अब ये नई टॉपिक मित्र हम लोग कल देखेंगे, समय 6:30 शाम को यूट्यूब पर मिलेंगे, लाइव यूट्यूब पर ही रहेंगे। फिर ये लेक्चर ऐप पर अपलोड कर दिया जाए, और अर्चना देवी सर ऐप बता दीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगी तो रेशनल एकेडमी डाल देंगी, ऐप मिल जाएगा। और बाकी यूट्यूब पर जो आपके लेक्चर हैं डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें ऐप का लिंक है, उसे टच करेंगे तो खुल जाएगा। रागिनी वर्मा, जोगी मारा के गुफा किसने खोजी? रागिनी जी बहुत कठिन क्वेश्चन खोज के लाई है, बता दीजिए। ठीक रागिनी जी, तो जोगी मारा की गुफाएं जो हैं, रागिनी जी पूछ रहे किसने खोजी, अच्छा याद दिलाई, बहुत अच्छी पॉइंट है, जनरली मिलता नहीं। 1904 में डॉक्टर बलाक ने जोगी मारा के गुफाओं की खोज की थी। और सर मेरा RTGT 96 है, जनरल EBS है, कोई चांस? हाँ, EWS में चांस है। और सर जी TGT एग्जाम देने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए प्लीज बताइए। TGT कला वर्ग के लिए किसी भी विषय से स्नातक और इंटर में प्रावधिक होना चाहिए। बालिकाओं का अगर प्रावधिक ना हो
प्रावधिक ना हो, डिजाइन हो, माने ड्राइंग आर्ट लिखा होगा मार्कशीट पर, ड्राइंग आर्ट हो तो भी दे सकती, लेकिन ड्राइंग आर्ट केवल बालिका वर्ग में डाल सकती, और अगर इंटर टेक्निकल है चाहे बालक वर्ग में डालिए चाहे बालिका वर्ग। आरपीजी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, बहुत सारा नमस्कार, और कल फिर मिलते हैं शाम को इसी समय।